आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वास्तुशास्त्र के अंदर कि आपका घर का मकान वो गौमुखी अगर है तो कितना पैसा बोलेगा, वो कितना धन देगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको आप गौमुखी समझ रहे हैं वो शेरमुखी ना हो तो वो विनाश भी करता है। तो आज इस विषय की डेप्थ में जानकारी देने वाला हूं कि गौमुखी मकान कौन से होते हैं और शेरमुखी कौन से होते हैं, शेरमुखी कैसे हानिकारक होता है और गौमुखी मकान में धन की वर्षा क्यों होती है। अगर गौमुखी नहीं है तो उसको आप कंस्ट्रक्शन के द्वारा थोड़ा गौमुखी बना ही सकते हैं। गौमुखी और शेरमुखी में फर्क क्या होता है पहले यह बता देता हूं। गाय आगे से पतली होती है, उसका जो सिर होता है पतला होता है और वो पीछे से भारी होती है, उसके थन, उसके हिप्स, वहां पीछे से उसका भारीपन होता है, यानी आगे से पतली और पीछे से मोटी होती है। शेर उल्टा होता है, शेर आगे से बहुत हैवी होता है और पीछे से बहुत पतला होता है। गौमुखी और शेरमुखी में फर्क होता है। इसी प्रकार से मकानों के अंदर भी यही होता है कि जो मकान आगे से पतला होगा वो गौमुखी होगा और जो पीछे से पतला होगा और आगे से भारी होगा, चौड़ा होगा आगे से, तो शेरमुखी होगा। शेर तामसिक है, वो मांसाहारी है, वो हत्या करके खा जाता है किसी को भी, उसको दर्द नहीं है, बेरहम है, शेर का यह स्वभाव होता है। गाय दूध देती है, जीवन देती है, ऑक्सीजन देती है, 9 महीने 9 दिन मां के गर्भ में जैसे बच्चा रहता है ऐसे उसके भी रहता है, उसके दूध में बच्चा पल सकता है, इसलिए वो जीवनदायिनी है और वो जीवन लेने वाला है, एक जीवन देने वाला है, एक जीवन खत्म करने वाला है। इसलिए ऐसे मकानों को संज्ञा दी गई गौमुखी और शेरमुखी। अगर जो मकान आगे से पतला है पीछे से चौड़ा है वो गौमुखी है, जो मकान आगे से चौड़ा है पीछे से पतला है वो शेरमुखी है। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है, उसको समझने की जरूरत होगी कि गौमुखी और शेरमुखी, कई लोग क्या करते हैं कि गौमुखी समझ करके उसको ले लेते हैं लेकिन एक्चुअल में वो शेरमुखी होता है। जैसे गाय हमें धन देती है ऐसे गौमुखी मकान भी हमें धन देता है। गाय के घर में रहने से जीवन आता है, ऑक्सीजन आती है, स्वास्थ्य आता है, गौमूत्र, गाय के 5 चीजों की जो चीजें होती हैं हमें जीवन देती है, लेकिन शेर की 5 चीजें हमें मार देती हैं। इसलिए गौमुखी के अंदर धन वर्षा होती है, सोना उगलता है। लेकिन ध्यान रखना कि गौमुखी जो होता है वो पूरब दिशा में, अगर कोई मकान पतला होगा पश्चिम में भारी होगा तो वो गौमुखी माना जाएगा। अगर कोई मकान पश्चिम में पतला है और पूरब में वो चौड़ा है तो वो शेरमुखी माना जाएगा, क्योंकि हम पूरब दिशा को लेकर के चलते हैं, पृथ्वी पूरब को मूवमेंट करती है। दक्षिण दिशा के अंदर अगर कोई मकान पतला है और पूरब दिशा उत्तर दिशा के अंदर चौड़ा है तो उसको भी हम गौमुखी मानेंगे, क्योंकि दक्षिण दिशा से नेगेटिव ऊर्जा कम आए और पॉजिटिव ऊर्जा उत्तर से ज्यादा आए तो वो भी हमें धन देगा। लेकिन नॉर्थ दिशा में कम हो जाए और दक्षिण में अगर भारी हो जाए, चौड़ा हो जाए, तो दक्षिण पितरों की जो दिशा होती है वहां से अगर बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा अगर आएगी तो वो भी हानिकारक हो जाए। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मकान जो होता है गौमुखी, पूरब दिशा के अंदर पतला हो, यानी अगर उधर 20 फिट है और पश्चिम में अगर 25 फिट है तो सबसे सुंदर गौमुखी माना जाता है। ऐसे मकान में शांति रहती है, पीस ऑफ माइंड रहता है, बीमारी नहीं रहती है, तनाव नहीं रहता है और घर के सभी जो मेंबर हैं वो खुश रहते हैं। इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, पूरब दिशा को ऐसे चौड़ा दिया जाए तो फिर वो शेरमुखी हो जाता है और दक्षिण में अगर चौड़ा हो तो भी वो शेरमुखी हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। अब इसके उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा
कि आपकी जो कार है पूरब दिशा में चल रही है, बोनट आगे से पतला है और आगे से चौड़ा भी, चौड़ा नहीं है पतला भी और सुकड़ा भी है हवाई जहाज की तरह, तो वो कार आपकी स्मूथ चलती है, उसका इंजन भी खराब नहीं होता, पेट्रोल कंजम्पशन कम होती है, दबाव नहीं होता, साउंड नहीं करती, भागती ज्यादा है। उस कार को आप उल्टा कर दो, बोनट चौड़ा कर दो, ऊंचा कर दो और पीछे से पतली कर दो, कार पलट जाएगी, स्पीड टूट जाएगी, इंजन कमजोर हो जाएगा, पिकअप नहीं रहेगा। तो पृथ्वी का ये मूवमेंट का एक सिद्धांत होता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने इनको गौमुखी और शेरमुखी का नामकरण दे दिया। इसलिए अगर आप मकान लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो आपको गौमुखी की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।